बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार फ्यूजन रेसिपी, चाइनीज़ पकोड़े। शिमला मिर्च आधा कप लिया है हमने, लंबाई में काट लिया है। गाजर को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा हमारे पास प्याज है आधा कप, प्याज को भी हमने लंबाई में बारीक काट के रखा है। हरा धनिया ले लिया है हमने 2 टेबल स्पून। इसके अलावा आप इसमें हरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है 2 खाने के चम्मच बेसन, 4 खाने के चम्मच हमने मैदा लिया है, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, सोया सॉस लिया है हमने 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर हमारे पास 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा लिया है हमने साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक लिया है हमने 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच, 2 कप बंद गोभी को हमने बारीक काट के रखा है, 1 मीडियम साइज़ का आलू लिया है हमने, उसको भी हमने बारीक बारीक काट के और पानी में भिगा कर रखा है, क्योंकि आलू का कलर बहुत जल्दी काला पड़ने लगता है, हमने इसको पानी में डिप करके रखा है। अरे 1 मिनट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले हम बाउल में तमाम सब्जियां ऐड कर लेंगे, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, हरा धनिया। पानी हटाकर हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। अब हम तमाम सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 बाय 1 तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, सिरका, नमक, मैदा, बेसन और तमाम मसाले हमने ऐड कर दिए। अब हम इन तमाम मसालों और सब्जियों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कोशिश करेंगे हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड ना करें, क्योंकि अगर हम पानी ऐड करते हैं तो फिर आपके पकौड़े क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। ऑयल को हमने मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह गरम कर लिया है। आप पकौड़ों को टर्न करके दूसरे साइड से भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। मज़ेदार क्रिस्पी चाइनीज़ पकोड़े तैयार। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, साथ ही अपना ख्याल और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।